अस्सलामुअलैकुम। काफी सारी ओवर एक्टिंग के बाद आपका भाई एक दफा दोबारा से आपके सामने हाजिर है। अच्छा यार, आई एम रियली सॉरी, मैं 2 हफ्ते व्लॉग अपलोड नहीं कर सका यार, थोड़ा मेरे से पर्सनल मिसअप हो गया था जिस वजह से मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया। तो यार पहले तो मेरी ओवर एक्टिंग को थोड़ा सा अप्रिशिएट करना, क्योंकि मुझे लगा यार हमेशा ना वो सादा सा इंट्रो होता है तो थोड़ा सा चेंज किया जाए। अच्छा की बात यह है कि जो आज का व्लॉग है ना, वो मैंने काफ़ी टाइम लगा के बनाया है, काफ़ी टाइम इस तरह के मैंने काफ़ी दिन लगाए हैं उसमें, बहुत शॉर्ट क्लिप्स रखे हैं मैंने, लेकिन दिन काफ़ी लगाए हैं क्योंकि यार वो गांव में चला गया था, गांव पे थोड़ा मिसअप हो गया था। उसके बाद शादी थी कज़न की, वो मैंने टोटली वो करनी थी, थोड़ा सा कल्चर दिखाना था, लेकिन मैंने जितना दिखा सका उतना मैंने दिखाया है। और बाकी यार बस यही सीन था। अच्छा आप पता है क्या करो, वीडियो उठाओ, उसको शेयर मारो, उसको सब्सक्राइब करो और लाइक ज़रूर करना। अच्छा और मज़े की बात आपको बताऊं, आज ना जो वीडियो अपने दूसरे दोस्त को भेजेगा ना, तो उसके फ़ायदा पता है क्या होगा कि वो उसका दूसरा दोस्त भी ना ये वीडियो देख सकेगा। तो यार अपने दोस्त को भी एंटरटेन करो, उसको भी प्यारे प्यारे व्यूज़ दिखाओ, थोड़ा सा स्ट्रेस से बाहर निकलेगा वो भी। देखो इतना प्यारा नेचर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, तो देखो वो नेचर को थोड़ा सा फील करेगा तो वो इस चीज़ से बाहर आएगा। तो अपने दोस्त के साथ भी शेयर करो, खुद भी देखो। मैं चलता हूँ, लाफेज। ये इस तरह के कुएं होते हैं जहाँ से लोग अपने जाती इस्तेमाल के लिए पानी लेके जाते हैं, जिस तरह ये छोटा सा बच्चा पानी लेने आया है। इतना प्यारा व्यू हो और स्टिंग ना हो, ऐसा हो सकता है? ये इतनी खूबसूरत सुबह, इसका कोई नेमो बदल अभी तक मुझे मिला नहीं है। यकीन करो इतना सुकून मिलता है यहाँ बैठ के। और फिर अचानक बारिश हो जाए तो ये व्यू कितना मज़े का हो जाता है, मतलब खूबसूरती डबल। पाकिस्तान हो या AGK हो और क्रिकेट ग्राउंड्स ना हो, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। इस पहाड़ी इलाके में भी इतना खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड है, ट्रस्ट मी, ये बहुत खूबसूरत ग्राउंड था। अब चलते हैं शहनाई के साथ शादी के कल्चर की तरफ। लो भाई, ये आ गई आपकी एंट्रेंस। अब पाकिस्तानी कल्चर वाली जगमगाती लाइटिंग तो ज़रूरी होती है ना शादियों में। फिर अगर आपके घर में आर्टिस्ट हो तो फिर आपको स्टेज वाले बंदे की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब माइयों के कल्चर से लेके ना बारात तक सब कुछ दिखाया जाएगा, लेकिन शॉर्ट क्लिप्स के साथ।
नहीं भाई नहीं, आपके भाई ने ग्रूम को नहीं बख्शा। आगे आगे देखो। अभी हम लोग जा रहे हैं दोस्त के घर, दोस्त के साथ हम आएंगे, दोस्ती लाएंगे और दोस्त ऊपर आएगा, फिर वहां पे आतिशबाजी होगी, रिफ्रेशमेंट का इंतजाम होगा और ये सब लोग मेरे साथ आ रहे हैं। Here we go। जी अब ले आए हम दोस्त को, दोस्त को हम साथ लेके जा रहे हैं। यहाँ पे जब शादी होती है ना, ये लकड़ी जलने के लिए इस्तेमाल तो होती है, लेकिन असल में ना ये जब बारिश आ जाती है ना तो सारा सीन गड़बड़ हो जाता है। अभी सारे टेंट टूट गए थे खाने वाली साइड के, वो हमने दोबारा से लगाए हैं। अब यार गांव में शादी हो और फिर आतिशबाजी ना हो तो फिर इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यार एक गांव ही तो होता है जहाँ पे आपकी पूरी बरादरी इकट्ठी होती है और आप इंजॉय अच्छी तरह से कर सकते हो। हाँ जी, तो अब पता है क्या होता है कि जब आतिशबाजी होती है ना तो उस वक्त एक और बड़ा ख़तरा होता है, वो आग लगने का होता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या सीन था कि अब सावन का महीना था, बरसात बरसती है और हर चीज़ हरी भरी रहती है, बेशक वो घास हो या दरख्त हो, इस वजह से ऐसा कोई ख़तरा, ऐसा कोई मिसहैप नहीं हुआ हमारे साथ। इस खूबसूरत मंजर को देखते हुए बस सुकून सा मिलता है, सबके साथ वक्त गुजारा और बस लौट आए। गांव की सबसे खूबसूरत चीज़ यही होती है, लोग सब इकट्ठे होते हैं, प्यार से रहते हैं, इत्तेफाक से रहते हैं, गमी में भी साथ होते हैं, खुशी में भी साथ होते हैं और खुशी में बढ़ चढ़ के साथ होते हैं। तो यार यहाँ पे ये शादी एंड हुई और फिर इस टाइम पे ब्राइड आ गई थी, तो ब्राइड के इस्तकबाल के लिए हमने थोड़ी सी आतिशबाजी की थी। बाकी यार अल्लाह इन दोनों को खुश रखे और अल्लाह आपको भी खुश रखे जो आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो। फिर एक शाम और आ गई और दिन गुजर गया, इतनी खूबसूरत शाम थी ये। अब अगर व्लॉग पसंद आया है तो लाइक ठोक दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। Thank you so much guys, I love you all and Allah Hafiz everyone.